हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अलजेब्रा का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। आवर टैग लाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ। ओके, तो हम ये का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्स इक्वल 3 प्लस 2 रूट 2, और क्या पूछा है वो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल क्या होगा। दिस इज, इसको आप डायरेक्टली पुट करोगे तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा, बट ये थोड़ा टाइम ले लेगा। ओके, तो हम आपको आसान वाला बताते हैं। ओके, तो x इक्वल क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 2 रूट 2, 1 अपॉन x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2। अब वन अपन एक्स वाला कैसे है हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, इन दोनों का जो स्क्वायर है ये कब होगा ऐसा, जब ये डायरेक्ट हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा तब होगा जब इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे हम 1 अपन एक्स, तो क्या है एक्स का वैल्यू, 3 प्लस 2 रूट 2। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम दोनों साइड इसको माइनस वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ भी वही कर देंगे, 3 माइनस 2 रूट 2। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो 3 माइनस 2 रूट 2, और ये आ गया 3 जा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 हट गया तो 4 8 हो गया, तो इसका कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, तो 3 माइनस 2 रूट 2। सो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको माइनस में लिख सकते हो। बस कंडीशन क्या है, इन दोनों का स्क्वायर वन हो, स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, अभी जोड़ा हुआ है, यहाँ पे एडिशन है, तो x प्लस 1 अपान x इक्वल, इसको इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, जुड़ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव इधर पॉजिटिव है, जो माइनस हो जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या। कॉन्सेप्ट, ओके, इफ एक्स इक्वल ए प्लस रूट बी, ओके, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स क्या होगा, 2 ए होगा। ओके, एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल क्या होगा, 2 रूट बी होगा। कंडीशन क्या है, इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए डिफरेंस। ओके, ये कंडीशन है। ओके, कंडीशन ये कंडीशन होगा तब ऐसा हो जाएगा। ओके, डिफरेंस होना चाहिए 1 होना चाहिए, या तो ये रूट भी है ना, तो इसको हम डायरेक्ट रूट बी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसा होना चाहिए रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, 1 हो, ये जब फॉलो होगा तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यार ये वाला हमने x प्लस 1 कर दिया, x माइनस 1 अपान x इक्वल क्या हो जाएगा, 2, इसमें क्या है दूसरे का क्या बोला है, 2 रूट बी, रूट बी क्या है यहाँ पे, 2 इंटू रूट 2 है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 4
रूट टू आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम। ये कंडीशन हो गया, आप इसको जब भी बुक खोलो तो इसको एक बार देख लेना। ओके, नोट करने के बाद। ओके, सो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, इफ x इक्वल 10 प्लस 3 रूट 11, देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x प्लस 1 अपॉन x क्या होगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको कैसे करोगे, तो अभी क्या करते हैं, पहले इन दोनों का स्क्वायर देख लेते हैं। इतना लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम एक एक करके नहीं करेंगे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, और इसका क्या होगा तो 11 हट जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 11 9 जा 99, मीन्स डिफरेंस जो आ रहा है एक आ रहा है, 100 में से 100 माइनस 99 तो आंसर 1। ओके, सो इसका क्या आंसर 2a होगा। तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 2a। a क्या है, यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 2 इक्वल 20। सो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, 2 रूट b होगा। तो यहाँ 2a हो गया, इन 3 हो गया, रूट 11 हो गया, तो कितना आ गया, 6 रूट 11। सो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब इसी को क्वेश्चन को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज करते हुए, थोड़ा सा और आगे जाते हुए, ठीक है। ये तो हमने बेसिक निकाल लिया। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया x क्यूब प्लस 1 अपान x अपान x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। ओके, तो पूछ लिया इसका क्या आंसर होगा, वो ये तो मान लो पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकेंड वन, एंड दिस वन इज थर्ड क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको x पहले कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x कॉमन ले लेंगे, तो x x हो गया यहाँ पे माइनस 19 हो गया प्लस 1 अपान x हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, अब हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ये फार्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप उसको अगर आप किए होंगे क्वेश्चन तो आपको याद होगा, नहीं किए होंगे तो आप देख सकते हो उसको, फर्स्ट लेक्चर में है अलजेब्रा के। ओके, तो इसका क्या फार्मूला है, एन स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब नीचे क्या हो गया, एक्स एक्स प्लस 1 हो रहा है, एक्स एक्स प्लस 1 कहाँ है, ये है 20, और यहाँ पे माइनस 19 है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 19, ये तो 1 हो गया, इसका n कितना है, n जो है इसका 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 400 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 398 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो आप इसको ऐसा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, इफ एक्स इक्वल 2 प्लस रूट 3। ओके, अब क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके,
दिस इज द टू क्वेश्चन फर्स्ट. सो क्या यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या होगा, टू टू जब फोर हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा. तो क्योंकि आप यहाँ पे इसका स्क्वायर करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है फोर, यहाँ पे आ रहा है थ्री, तो डिफरेंस वन हो गया. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा दें, क्या आ जाएगा, टू ए, टू ए, टू क्या है, ए क्या है, टू है, तो ये फोर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटू बी हो, टू इंटू रूट बी था. ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो टू रूट बी है, तो इसको हमें आप क्या लिख सकते हैं, टू रूट थ्री, इसका आंसर हो गया. अब तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है इसका, एक्स पावर सेवन एक्स पावर फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन. ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको खोल लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं पहले, तो एक्स पावर सिक्स हो गया प्लस वन अपॉन, एक एक्स नीचे चला जाएगा तो एक्स पावर ये भी सिक्स हो गया, और नीचे क्या करेंगे, एक्स कॉमन यहाँ भी ले लेते हैं, तो एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपान एक्स हो जाएगा. ओके, तो एक्स प्लस वन कितना आया है, फोर आया है, एक्स एक्स प्लस वन ही हो गया, तो फोर माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाला इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका पॉजिटिव वाला फॉर्मूला होता है n n क्यूब, सिक्स वाला फॉर्मूला n क्यूब माइनस थ्री n स्क्वायर माइनस टू. ओके, नीचे तो वन हो गया तो चला गया. अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है फोर है, तो फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर का क्यूब सिक्सटी फोर हो गया, माइनस फोर थ्री या ट्वेल्व हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस टू हो गया, ते ट्वेल्व में जाएगा तो क्या आएगा, ये 64 में 54, 52. ओके, 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 2704 माइनस टू कितना आ जाएगा, 2702. ओके, सो ये इसका आंसर हो जाएगा. ऐसे प्रॉब्लम को आपको और दो चार प्रॉब्लम आप देख लीजिए. क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल फाइव प्लस टू रूट सिक्स, क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस एक्स इक्वल क्या होगा, ये तो पहला हो गया क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल क्या होगा, पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, सेटिस्फाई, फाइव स्क्वायर 25 माइनस फोर टू का स्क्वायर फोर एंड सिक्स, फोर सिक्स आर 24, 25 माइनस 24 कितना आ गया, वन आ गया, 25 माइनस 24 वन आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2a, 2a, a क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ओके, यहाँ पे 2 रूट भी है, तो 2
रूट बी, रूट बी क्या है, 2 इंटू 2 रूट 6 मीन्स ए हो गया 4 रूट 6। ओके अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 1, तो इसका आंसर क्या होगा। तो वही सेम करते हैं, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे x कॉमन यहाँ हो गया, तो x पावर ये 4 हो गया प्लस 1 अपान ये, इस यहाँ एक x वो हो गया, ये भी 4 हो गया, यहाँ भी x कॉमन ले लिए तो x माइनस 9 प्लस 1 अपान x हो गया, तो अब ये x x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे वाला आप देखोगे क्या है, x प्लस 1 अपान x का वैल्यू कितना है, 10 है, और यहाँ पे 9 है, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, तो इसका तो वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, x पावर 4 वाला। ओके तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ओके दिस इज द फॉर्मूला, आप x पावर 4 प्लस, ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो n का वैल्यू, n क्या है यहाँ पे, n जो है 10 है, तो 10 का पावर ये तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो और माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर जाएगा 9604 माइनस 2, तो हो जाएगा 9602। ओके सो इसका ये आंसर हो जाएगा। सो ऐसे प्रॉब्लम को आप आसानी से एकदम बहुत मींस बहुत कम टाइम में आपको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, इफ x इक्वल 6 प्लस रूट 35। क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है x प्लस 1 अपान x क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन x प्लस 1 अपान यहाँ पे माइनस कर दिया। ओके तो ये प्लस वाला ऊपर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का वैल्यू। अब यहाँ हम और भी चीजें पूछ सकते हैं, वो चीजें तो है ठीक है, जैसे हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान x पूछ सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे हम यहाँ पूछ सकते हैं 4 में x पावर 6 प्लस 1 अपान x पावर 6। ओके ये सब सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो 6 पावर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, 35 हो जाएगा, 35 इतना 1 आ रहा है डिफरेंस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, डिफरेंस 1 आना चाहिए, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a क्या है, 6 है, तो 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2 रूट बी है। ओके तो 2 और रूट बी क्या है, 35। ओके तो ये हो जाएगा रूट 35। ओके आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको n का वैल्यू दिया हुआ है। ओके
यहाँ पे x प्लस वन अपान एक्स का vn का वैल्यू दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस टू, n क्या है 12 है यहाँ पे, तो हम 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ओके माइनस टू, तो यहाँ क्या जाएगा 142 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 पूछा है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो n क्या है यहाँ पे, n जो है वो है 12, ओके। तो 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब 1728 माइनस 3 × 30 स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1698, यहाँ पे आ जाएगा 1698 1698 का स्क्वायर आएगा, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, 2883204, ओके माइनस 2, तब क्या आंसर आ जाएगा, 2883202, ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके 98, ओके हाँ। तो ये उसका स्क्वायर करने के बाद 6198 का स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा, माइनस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे आप प्रॉब्लम को आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, सॉल्व करा लेते हैं, ओके। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन और ले लिया, क्वेश्चन If 5 x equal 5 plus 2 root 6, ओके ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, if x equal 4 प्लस रूट 15, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है वो x प्लस 1 अपान x इक्वल क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1 अपान x का क्या आंसर होगा, ओके। सो क्या होगा इसका, यहाँ पे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई द कंडीशन, 4 का पावर 16 एंड इसको रूट आ जाएगा तो 15 आ जाएगा, 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, डिफरेंस 1 है तो हो सकता है, तो 2a क्या हो जाए यहाँ पे, 2a, a क्या है 4 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 रूट बी, तो यहाँ पे क्या है 2 × रूट 15 हो जाएगा, ओके। सो ये क्वेश्चन आ गया। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं तीसरा, ओके एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ओके। तो क्या आ जाएगा इसका, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे निकालेंगे, यहाँ पे n आ गया, तो हमने आपको पढ़ाया ये n वाला, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n, ओके। तो n क्या है यहाँ पे, n जो है 8 है, तो 8 का यहाँ पे क्या करना है, 8 का क्यूब कर देना है, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 माइनस 8 3 जा 24, ओके।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 12 इधर है, 12 उधर जाएगा, तो 4 8 8। ओके सो दिस इज द आंसर। ओके ऐसे प्रॉब्लम आ जाए आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके okay? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।